हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्निकल डीजे। दोस्तों, आजकल जो फ़ोन इंडिया में लॉन्च हुआ है रेडमी नोट 5 का, जिसको आपको रूट करना है तो आपको सबसे पहले MI अकाउंट इसमें क्रिएट करना होता है, जो कि आप आसानी से कर लेते हैं। उसके बाद परमिशन लेनी होती है बूट लोडर को अनलॉक करने की, जो कि वो भी आसानी से मिल जाती है। बट दोस्तों, आपको दिक्कत कहाँ पर आ रही है, जब भी आप सेटिंग्स के अंदर जाएंगे, एडिशनल सेटिंग्स के अंदर जाएंगे और डेवलपर ऑप्शंस वगैरह ऑन कर लेंगे और ऑप्शंस में जाएंगे तो आपको दिखेगा MI अनलॉक स्टेटस। तो दोस्तों, इसके अंदर आपको करना क्या होता है, अपना अकाउंट जो है बाइंड करना होता है MI के साथ, जो कि नहीं हो रहा है। जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा, मेरे अंदर भी यही एरर आ रहा था, बट अब आप ये एरर दिखा रहे हैं कनेक्ट टू द नेटवर्क प्रॉब्लम। बट दोस्तों, मेरे अंदर भी यही प्रॉब्लम आ रही है 86,006 एरर की। तो दोस्तों, मैंने शाओमी वालों से इसके बारे में मेल किया, तो शाओमी वाले यही कहना है कि इस एरर के बारे में अभी हम कुछ नहीं जानते हैं, बट इसको फिक्स करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, जल्दी इसका अपडेट दिया जाएगा। दोस्तों, कुछ यूट्यूबर्स का ये कहना है कि आपको ग्लोबल बेटा रोम के अंदर जाना होगा, जब आपको ये प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी। बट दोस्तों, अभी तक ऐसा कोई अपडेट शाओमी की तरफ से नहीं आया है। ग्लोबल बेटा रोम के अंदर दोस्तों होता क्या है कि इसके अंदर आपको नए अपडेट्स जल्दी मिलते हैं, जो कि शाओमी वाले डेवलपर जो है जल्दी देते हैं। लेकिन अगर आप स्टेबल रोम के अंदर हैं तो आपको इसके अंदर कहीं भी लैग वगैरह कुछ नहीं दिखती है, कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि ये कस्टमर्स जब बेटा रोम के अंदर इस तरह की चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं, नए अपडेट्स लेते हैं और उसके बारे में फीडबैक देते हैं अपना, तब वे स्टेबल रोम के अंदर अपडेट करते हैं शाओमी वाले डेवलपर। तो दोस्तों, ग्लोबल बेटा रोम के अंदर अभी जाके कुछ नहीं मिलने वाला है, सिवाय लैग और दिक्कत होगी, आपका फ़ोन हैंग वगैरह होने लगेगा। तो दोस्तों, स्टेबल रोम के अंदर बने रहिए, थोड़ा सा इंतज़ार करिए, इस प्रॉब्लम को जल्दी सॉल्व किया जाएगा शाओमी की तरफ से। ये प्रॉब्लम जो आ रही है दोस्तों, इंडिया वर्जन्स के अंदर ही आ रही है और शाओमी वालों को इस प्रॉब्लम को फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, जल्दी नए अपडेट मिलते रहेंगे। दोस्तों, सबसे पहले ये अपडेट जो है बेटा रोम के अंदर आएगा। अगर आप बेटा रोम में हैं तो आपको ये अपडेट पहले मिलेगा, और बेटा रोम के अंदर अपडेट आने के बाद ये स्टेबल रोम के अंदर भी 10 से 15 दिनों के अंदर दे दिया जाएगा। तो दोस्तों, बने रहिए स्टेबल रोम में, अगर आप स्टेबल रोम में बने रहिए, आपको बेटा रोम के अंदर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप फिर भी बेटा रोम के अंदर पहले जाना चाहते हैं तो आप सेटिंग्स में जाकर अबाउट फोन में जाएंगे और यहाँ पर सिस्टम अपडेट पर जब आप क्लिक करेंगे, तो अभी मैं लेटेस्ट वर्जन के अंदर हूँ तो यहाँ पर कोई अपडेट नहीं है। आपको यहाँ 3 डॉट्स पर क्लिक करना होगा और चूज अपडेट पैकेज। तो दोस्तों, आपको ग्लोबल बेटा रोम का जो अपडेट जो है डाउनलोड फोल्डर, उसको डाउनलोड करना होगा शाओमी MIUI की वेबसाइट से, ऑफिशियल वेबसाइट से आपको रेडमी नोट 5 की अपडेट जो है ग्लोबल बेटा रोम का फोल्डर, उसको डाउनलोड करना होगा। यहाँ से आप उसको अपडेट कर सकते हैं, आप ग्लोबल बेटा रोम के अंदर आसानी से जा सकते हैं बिना रूट किए। तो दोस्तों, अब आपको वीडियो ही अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को, क्योंकि मैं अगर जैसे ही इस प्रॉब्लम को फिक्स किया जाता तो मैं इसका रूट करने का वीडियो भी जल्दी बना के डालूँगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।